हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का जो व्लॉग रहने वाला है बहुत ही खास और यूनिक रहने वाला है, क्योंकि डीजे सार्जन हरिद्वार में पहुंच चुका है और इस व्लॉग में मैं आपको सभी चीज़ें दिखाने वाला हूं, कितनी इसमें बैटरी रहने वाली है और कैसा इनका डीजे सेटअप रहने वाला है। बने रहिए इस व्लॉग में। और कितने ये लोग ट्रक लेके आ रखे है वो भी सब मैं इस वीडियो में दिखाऊँगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ एक एक करके। फर्स्ट जो है इनका ये है, इसमें भी जो है बेस वगैरह रखी हुई है, ठीक है, जो आपका इनका डीजे सेटअप है। नेक्स्ट जो है तो नेक्स्ट डीजे सार्जन का जो सेटअप रहने वाला है वो इसमें है। और आप देख सकते हो कि जो सामान जो है ना उतर ही रहा है और इनकी बेस वगैरह सब उतर ही है, क्योंकि डीजे सेटअप जो है काफ़ी बड़ा रहने वाला है। झारखंड में इसका बहुत नाम सुना है और हरिद्वार में ये पहली बार आया हुआ। देखते यहाँ पर ये क्या धमाल मचाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर भी एक से एक डीजे आ चुके हैं। अमर डीजे, मोनू डीजे, धड़कन डीजे, कसाना डीजे, इन सबको क्या ये टक्कर दे के जाएगा या कुछ अपनी अलग से छवि बना के जाएगा, सब इस वीडियो में देखना। चलिए मैं आपको थोड़ी देर में इस व्लॉग में दिखाऊंगा कि साजन डीजे का जो मालिक है उनसे भी आपको मैं मिलाऊंगा और उनसे बातें कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, आइए मेरे साथ। जैसा कि आप लोगों को इंतज़ार था और आज झारखंड का जो डीजे मशहूर डीजे है साजन वो आ चुका है हरिद्वार में। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। ये साजन 10 सबों में ये बताइए कि क्या सेटअप रहने वाला है आपका इस बारी। इतना है कि सरकार ने समझा देना जो कि इतना है कि कोशिश करेंगे पब्लिक को पसंद है, बाकी जो चीज़ लगेगा वो आपको लाइव देखने को मिलेगा। बहुत सारा चीज़ कैमरा के सामने मेरा अलाउड है कि हम बोल सकते हैं। हाँ, ये बिल्कुल आपकी बात हो रहा है। और सुना है कि झारखंड में दोस्तों काफ़ी मशहूर है, हरिद्वार में आप शायद फर्स्ट बार ही आए हो। अपना काम है, अपना काम करते हैं, बिल्कुल, बाकी वो पब्लिक के ऊपर डिपेंड रहता है कि वो किस नज़र से आपको मानते हैं। देखो अभी तक डीजे तो काफ़ी और भी आने वाले हैं, पर सबसे ज़्यादा इंतज़ार जो है डीजे सार्जन का ही हो रहा था हरिद्वार में ना। इस चीज़ के लिए तो मैं सारा यूपी वाले पूरा देश को मतलब ये मतलब मानना चाहता हूँ कि जिन्होंने मतलब इतना सम्मान दिया। आप इससे ज़्यादा तो इसके बारे में बोल नहीं सकते। आपका एक छोटा सा एक वीडियो भी मिला था इंस्टा से हमें कि आपका कोई ऐसा मकसद नहीं है कि किसी से कंपटीशन हो, नॉर्मली आप पब्लिक को खुश करने के लिए आए हो। देखिए ये चीज़ ही है, कोई कंपटीशन का चीज़ ही नहीं है। ये पहला इसका जीत ही यही है कि कौन कितना पब्लिक को खुश करेगा। बिल्कुल पॉइंट की बात है ये तो। ये कोई औजार नहीं है कि आप किसी से जाकर लड़िए, ये मनोरंजन का चीज़ है। ये पब्लिक बताएगी, इसमें कोई मतलब डायरेक्टर भी नहीं है, मतलब डिसीजन मेकर भी नहीं। इसका सबसे ज़्यादा डिसीजन बनाने वाला पब्लिक, बस वो पब्लिक के ऊपर। पब्लिक के लिए आपको पहले से ही बहुत ज़्यादा मिल जाएगी कि आप लोग एक या दो आदमी नहीं करेंगे, ये पूरा पब्लिक तय करेगा कि मतलब क्या बजा नहीं बजा, अच्छा भी वो भी थी, नहीं भी वो भी थी, वो उनके ऊपर रिस्पॉन्स नहीं आई हो। जैसा हमने अभी तक वीडियो में देखा है, बहुत सी वीडियो में देखा है, तो रिजल्ट तो काफ़ी अच्छा है, बस यहाँ देखना चाहते हैं लोग भी इंतजार में है कैसा क्या रहता है। हम लोग भी तो नहीं है, हम लोग को भी बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिल रही है। हाँ ये हो सकता है क्योंकि काफ़ी अलग अलग जगह से डीजे आते हैं। तो है नहीं, 1500-1700 किलोमीटर अप्रोक्स हो जाएगा। आपको वहाँ से आने में कितना समय लगा? तो दिन रात करके मतलब पहुँचे, रेस्ट ले के दिन मान के चलिए, अगर रेस्ट लेके जाते हैं तो रेगुलर तो चल नहीं सकते, ये अकेले तो है नहीं। वैसे कि आपने जो सामान लाया है वो कितने उसमें लोड हुआ है, कितने ट्रकों में आया है? मतलब 3 गाड़ी में, जिसमें से अपना सामान के साथ साथ में 40-45 लड़का भी है ना, सबसे ज़्यादा सबको फैल के सोना है। हाँ, तो यही इतना दूर से ऐसे क्या बोलते हैं, लोकल ट्रेन जैसा नहीं रह सकते। तो जैसा कि हर लोग होता है ना कि टीम आपको वो करते हैं ना कहीं से, आपको किस टीम ने हायर किया है, कहाँ से? ये आपका यहाँ मेरठ से। चलो बढ़िया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये डीजे साजन का जो है पूरा सेटअप अभी उतर ही रहा है, आप लोग देख सकते हो। ये भाई पूरी डीजे साजन की जो है टीम है, ठीक है, सारा सामान ये लोग भाई बहुत ही मेहनत कर रहे हैं भाई। ये डीजे साजन के ओनर है बीच में वाइट शर्ट में, डीजे साजन की टीम मेंबर वो चेंज हो रही है।
इस ट्रक के अंदर ही डीजे सार्जन का सेटअप जो है लगने वाला है, और डीजे सार्जन की टीम जो है अभी सामान को देखे उतार रही है ऐसे करके। यही वो ट्रक है जिसमें डीजे सार्जन का पूरा सेटअप रहने वाला है। ये सार्जन की टीम मेंबर सभी लोग बहुत सहयोग कर रहे हैं एक दूसरे का। देता हूँ कैसा यहाँ पर रहने वाला है, ये देख लीजिए कितनी पब्लिक यहाँ पर आ रही है। और डीजे सार्जन का इस बार कुछ ही नया रहने वाला है, धमाका बिल्कुल खास। और ये देखो डीजे सेटअप तैयार हो रहा है डीजे सार्जन का। ये देखिए कैसे डीजे सार्जन का सारा सामान ऐसे एक एक करके जा रहा है। सार्जन को जिस पार्टी ने बुक किया है वो भाई साहब ये है जिनके गले में सोने की चेन है, इन भाई साहब ने ही डीजे सार्जन को बुक कर रखा है इस बारी। मतलब इसकी हाइट रखने को इसकी है, वो कितनी है अभी डिसाइड नहीं हुआ, वो हाइट डिसाइड नहीं हाँ, क्योंकि वहाँ पर आगे भी फिर वो होता है ना टोल पे कितनी हो जाएगा स्पेस कमी करेंगे, कमी रखेंगे टोल से कमी रहेगी उससे कम। कोई नहीं, कोई 40 लगाए कितने भी लगाए, हम तो 30 में फुल। नॉर्मली बेस कितनी है मतलब? ये 15 बेस रहेंगी बस, 15 बेस 30 लगेगी, 30 ना 15 लगाएंगे, 15 बेस तो रहने नहीं वाली, इतना तो हमें पता है। डीजे सार्जन का जो इतना नाम है, 30 जब बन जाएगा जब देख लेंगे, ये पता लग रही है बात तो कोई बात नहीं है। ये भाई जी बता रहे हैं नॉर्मली 30 रहने वाली है, अभी कुछ पता नहीं, आइडिया कुछ नहीं कि कितनी रहने वाली है, ठीक है वो बाद में देखा जाएगा डीजे सेटअप पे क्या रहने वाला है। बट जैसा पब्लिक बता रही है डीजे सार्जन पहली बार आपके आया है हरिद्वार में, आई होप सबसे नंबर वन रहे। और अगर बेस लग गई हमें 40 की जरूरत नहीं, 30 में भी संतुष्टि कर रहा है ये भाई, ये पूरे मेले की सब पब्लिक की जो पब्लिक को दिखाना चाहता है 30 में भी दिखा कर चले आएंगे 50 बेस हो जाए। सभी पब्लिक को आपका बहुत इंतजार है कब ये रेडी हो, बहुत ज़्यादा बस बोलना आपकी आशीर्वाद है। दोस्तों जैसा कि अभी वीडियो में मैंने बताया सार्जन डीजे से जो हमारी बातचीत हुई है, ठीक है ऐसे ही आपको सारे इस ब्लॉग में अपडेट मिलती रहेगी कहां पर क्या किस टाइम डीजे लगने वाला है और कब कैसा रहने वाला है। तो आप इस ब्लॉग को देखना ना भूलें और जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।